हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अंजलि। वेलकम टू एबीआर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ युगलीना, मतलब आपके आज युगलीना के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ, ये फाइलम प्रोटोजोआ, इसलिए फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, मतलब कि सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा। हमने अगली क्लास में डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर ऑफ द प्रोटोजोआ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ। तो उसमें हमने देखा था प्लाज्मोडर्मा कैसे एनिमल्स होता है। प्लाज्मोडर्मा में जो एनिमल्स होता है उसको सीलियस में एब्सेंट होता है। अ क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास मेस्टिगो में एनिमल्स होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजला के फॉर्म में पाया जाता है। ऑर्डर इसमें युगलिनोइड होता है। जीनस युगलिना, स्पीसीज वेरेंडिस। जीनस युगलिना, स्पीसीज वेरेंडिस। देखते हैं युगलिना का, युगलिना वेरेंडिस, मतलब इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे। तो युगलिना वेरेंडिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में फोर हेडिंग आती है, हैबिट एंड हैबिटेट, शेप एंड साइज, रिजर्वायर एंड फ्लैजलम। हैबिट एंड हैबिटेट, युगलिना इज अ फाउंड इन फ्रेश वाटर, डिच वाटर, लेक एंड स्लो रनिंग स्ट्रीम, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और युगलिना इज अ फाउंड इन अ फ्रेश वाटर पॉन्ड, डिच, लेक एंड स्लो रनिंग स्ट्रीम, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि युगलिना फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड में, डिच में, लेक में, एंड स्लो रनिंग स्ट्रीम, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण इनकी जो सेल्स होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। दैट वाटर अपीयरेंस टू बी ग्रीन एट द सरफेस ऑफ ड्यू टू ग्रीन कलर्स ऑफ युगलिना। युगलिना के ग्रीन कलर होने के कारण इसकी जो युगलिना की जो सरफेस होती है वो भी ग्रीन कलर की दिखती है। शेप एंड साइज, युगलिना इज ए स्पेंडल शेप, ये स्पेंडल शेप, युगलिना इज ओवल स्पेंडल शेप्ड, 16 माइक्रोन की होती है। ये ओवल एंड स्पेंडल शेप की होती है, 16 माइक्रोन इनकी लेंथ होती है। विथ ए ब्लंट एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एंड, मतलब कि देखिए इसकी एंटेरियर ये ब्लंट होती है, अपोस्टेरियर इसकी पॉइंटेड होती है। एंटेरियर एंड इसकी ऐसी होती है और पोस्टेरियर एंड इसकी पॉइंटेड होती है। अब तीसरी हेडिंग है रिजर्वायर। रिजर्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजर्वायर, एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी वियर ए स्मॉल फनल लाइक साइटोस्टोमा, जो इसमें साइटोस्टोमा है वो फनल लाइक होता है। एंड ट्यूबुलर इज साइटोफेरिक्स, ट्यूबुलर साइटोफेरिक, विच लीड इनटू लार्जर स्पेरिकल एंड रिजर्वायर। इस ये लीड इनटू लार्जर स्पेरिकल, लार्जर स्पेरिकल रिजर्वायर में होता है। फ्लैजलम इसमें होता है विप लाइक फ्लैजलम अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑन द रिजर्वायर, मतलब कि इसकी जो फ्लैजलम होती है वो एराइजिंग कहाँ से निकलती है, रिजर्वायर से। अब कैसी होती है, विप लाइक होती है। दीज आर टू टाइप ऑफ फ्लैजलम, विग एंड स्मॉल, ये टू टाइप्स की फ्लैजलम इसमें पाई जाती है, विग एंड स्मॉल। हमने एक्सटर्नल देख लिया, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों को फाइव हेडिंग पढ़नी है। पेरिकल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कॉन्टेक्टाइल वेहिकल, स्टिग्मा एंड आई स्पॉट। तो पहले हम पेरिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी इज ऑफ्टन कवर्ड बाय 10 पेरिकल्स, मतलब कि जो युगलिना की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है पेरिकल्स से, विच मेड बाय काइटिनस, वो किसकी बनी होती है, काइटिनस की बनी होती है। इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड
स्ट्रॉन्ग, ये फ्लैक्सीबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। इज ऑल्सो नोन एज पेरीप्लास्ट, इसको पेरीप्लास्ट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? काइटिनस को पेरीप्लास्ट भी कहते हैं। इट इज़ हेल्प टू प्रोवाइड शेप, ये किस चीज़ में हेल्प करती है? शेप में हेल्प करती है। द आउटर लेयर ऑफ पेरिकल्स इज नोन एज एपिक्यूटिकल एंड इनर लेयर ऑफ पेरिकल्स इज नोन एज क्यूटिकल। जो आउटर लेयर होती है वो एपिक्यूटिकल होती है और इनर लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। आगे देखेंगे साइटोस्टोमा, इसमें साइटोस्टोमा कैसा होता है? साइटोप्लाज्म, इसमें टू टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, एक एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म म्यूसिफेरस ट्यूबुल्स का होता है, म्यूसिफेरस ट्यूबुल्स इसमें होता है। जो ट्यूबुल्स सिक्रेशन, क्या ट्यूबुल्स क्या सिक्रेशन करते हैं? माइक्रो ट्यूबुल्स एंड म्यूसिलस सिक्रेट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक ये ग्रैनुलर फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। और न्यूक्लियस देखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ यूग्लिना बॉडी, ये यूग्लिना बॉडी के मिडल पार्ट में पाया जाता है। विच सेब इज ओवल, यूग्लिना बॉडी के मिडल में पाया जाता है और ये सेब देता है। देखिए ये यूग्लिना के मिडल पार्ट में पाया जाता है, इसका सेब ओवल होता है। आगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, रिमूव द एक्सेस वाटर ऑस्मोरेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ये रिमूव करता है एक्सेस वाटर और ऑस्मोरेगुलेशन का। अब देखेंगे स्टिग्मा एंड आई स्पॉट, रिजर्वायर, लेटरल सरफेस, कॉन्ट्रैक्टाइल अपीयरेंस अपोजिट डायरेक्शन, डिस्क स्ट्रक्चर अरेंज प्रोड्यूस लिपिड प्लेट एंड रेड पिगमेंट एज नोन एज स्टिग्मा। मतलब कि रिजर्व जो होता है लेटरल सरफेस पे होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर, इस कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर भी कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, रिजर्वॉयर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये डिस्क स्ट्रक्चर अरेंज प्रोड्यूस लिपिड प्लेट, ये डिस्क स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते। लिपिड प्लेट इज रेड पिगमेंट, ये रेड पिगमेंट में होता है। इट इज नोन एज स्टिग्मा एंड आइस स्पॉट। थैंक यू सो मच। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर, युग्लिना का स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका रिजर्वायर है, और यहाँ से ये फ्लैजला, ये लॉन्ग फ्लैजला है और ये शॉर्टर फ्लैजला है। ये रहा इसका स्टिग्मा और ये रहा इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और बीच में ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है और ये पेरिकल से कवर्ड है। और इसके पेरिकल्स के जस्ट इधर देखो एक्टोप्लाज्म होता है और पेरिकल्स के जस्ट इधर देखिए एंडोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा, क्रोमोसोम, ये सब न्यूक्लियस के फॉर्म है। अब ये देखिए ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको ये जो स्ट्रक्चर है इसको साइटोफेरिंग्स कहेंगे। देखिए शॉर्ट फ्लैजला, ये रहा स्टिग्मा, ये पेरिफ्रेंजल बॉडी, ये रही पेरिफ्रेंजल बॉडी, ये बेफेरोब्लास्ट, ये रहा बेफेरोब्लास्ट, एसेसर कॉन्ट्रैक्टाइल म्यूसिलस मैस्टिगोनियोमस। थैंक यू सो मच। इन दिस वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट।